पिला देता हूँ, क्या बड़ी बात है, दोस्ती में चलता है यार। मेरी जेब में टोटली 30 रुपए ही है, ये मुझे पता है, तुम्हें पता नहीं है, तो भी मैंने जबान दे दी कि पार्वती मंदिर है, चलो चलते हैं अंदर। ये पार्वती मंदिर है जो यहाँ के मंदिरों में सबसे पतले मंदिरों में से एक है। यहाँ एंटर होते हैं और देखते हैं कैसा है यार। ये पता है ये ऐसी सीढ़ियाँ होती ना वहाँ पे अजयगढ़ में और कलिंजर में, तो ज़्यादा अच्छा होता है यार। ये सीढ़ियाँ सीधी सीधी है, वो पता है सीढ़ियों को ऐसे ढलान नहीं देना चाहिए ऐसे, उससे पता है पैरों में अजीब सा वो अंदर वाला पेन होता है यार। सबसे पहले यहाँ पे मंदिर अंदर से देख लेते हैं, बाद में परिसर दिखाते हैं कि इस मंदिर का परिसर कैसा है। अंदर क्या यार, यहाँ मंदिरों में अंदर बल्ब नहीं लगे हुए, तो उजाला नहीं है सही तरह से। तो यहाँ मूर्ति पार्वती मंदिर है ना, मोर पार्वती मंदिर है ना, थोड़ा इस तरह यार। मोबाइल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, कैमरा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार वाइट हो जा रहा है यार। जल्दी से मोबाइल या कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, आईफोन ही लेंगे इस बार, पता है आईफोन 13 बाय करेंगे इस बार यार। कुछ अलग है यार ऊपर ना, देख लोटस शायद कमल वमल बना हुआ है ऊपर, गुलाब बना हुआ है। संगमरमर से बना हुआ है, वो पुराना ही होगा, संगमरमर है, सीमेंट है, शायद या तो डैमेज हो गया होगा तो सुधारा होगा, ऐसा कुछ होगा। वहाँ क्या लिखा हुआ था वहाँ पे, बस इतना ही लिखा हुआ है। चलो इस मंदिर के बारे में कोई ना कोई गार्ड यहाँ आसपास मिलते तो उनसे पूछ लेंगे हम कि क्या कैसा फंडा है, मतलब कि ईटे नहीं है यार, लाल पत्थर है यार, सही तरह से देख, पत्थर है यार, ईटे नहीं है, लाल पत्थर है। पार्वती मंदिर देख लिया है पूरा, बस थोड़े से डाउट्स है ना पार्वती मंदिर के बारे में, कोई घाट चाचा या कोई मिल जाते तो उनसे बातचीत कर लेंगे, कोई अच्छा मोमेंट आता तो शेयर करता हूँ मैं, क्लिप बना के अच्छी सी। मैंने ओम ने मोरी ने ना अभी तक है ना टोटल है ना 7 मंदिर हमने घूम लिए, 7वां मंदिर पार्वती मंदिर था, अभी 8वां मंदिर है शायद, हाँ 8वां मंदिर है। मुझे पता ही कन्फ्यूजन आया माइंड में जो मैं मोर से ही पूछा था अभी कि मतलब इतने बड़े बड़े चबूतरे ये बना देते थे, इतने बड़े बड़े, तो क्या ये अंदर से पोले होते थे क्या, मतलब अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ होता था क्या, या अंदर गुफाएं होती थी, क्या फंडा था, मतलब कोई गार्ड चाचा मिले तो मैं बात करूँ उससे, कोई मिल ही नहीं रहा। कौन सा मंदिर है मौर्य, विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ और नंदी, दो मंदिर है क्या, नंदी मंडप है, मंडप है, मंदिर नहीं है। सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि मतलब कैसा क्या है। नंदी मंडप ये है या ये है मंडप, अच्छा मोर वहाँ पे इतिहास पढ़ने में बिजी है, मतलब कि क्या कैसा है यहाँ पे, कौन सा मंदिर कितना पुराना है, नंदी मंडप कितना पुराना है ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा नंदी मंडप ये है, ये है नंदी मंडप। नंदी मंडप ऊपर से तो ना गोलाकार गोलाकार ऐसा मतलब वो बना हुआ है, गुम्बद गुम्बद बोलते हैं ना इसे, गुम्बद गुम्बद, हाँ मोरे हम गुम्बद बोलते हैं ना इसे, मतलब राउंड 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 नंदी के नीचे ये कौन बना हुआ है, चूहा है क्या, ये चूहा है, बच्चा होगा का चूड़ा होगा, अच्छा काफी अच्छा लॉजिक दिया होगा सर, लॉजिक अच्छा, छोटा है तो चूहा, बड़ा होता तो शेर है ना। नाम क्या है अपना, अच्छा लॉजिक देते हो यार। अच्छा एक बात बताओ, नाम क्या है, पारस है ना, मान लो तुम मेरे दोस्त हो, हम दोनों बाजार में जा रहे हैं, ठीक है, तुम्हारी सबसे फेवरेट खाने की चीज कौन सी है, सब खा लेंगे, कोई भी एक फेवरेट चीज होता है जिससे मन में आ जाए तो रुका नहीं जाता कि हाँ
क्या? लस्सी, दही लस्सी। और अपन दोनों ना बाजार जाते हैं, अपने को लस्सी याद आती है, बोलते हो सिद्धांत लस्सी पिला दो यार, अपने पास पैसे नहीं है, मेरे पास है, मैं बोलता हूँ हाँ यार पिला देता हूँ, क्या बड़ी बात है, दोस्ती में चलता है यार, मेरी जेब में टोटली 30 रुपए ही है, ये मुझे पता है, तुम्हें पता नहीं है, तो भी मैंने जीबान दे दी कि मैं लस्सी पिलाऊंगा, पर जीबान की वैल्यू दोस्ती में तो होती नहीं है। अच्छा अच्छा, मेन बात बच रही है, लस्सी पिलाऊंगा ऐसी बात नहीं, पिलाऊंगा वो 30 रुपए में लस्सी लेता हूँ, तुम बैठे हो बाहर चेयर पे वेट कर रहे हो कि सिद्धांत अब लस्सी लेके आएगा, मैं लस्सी लेके आता हूँ, मैं अपने हाथ में देता हूँ, अपन देखते हैं, देख रहे हैं, अपन पीने वाले हैं, जितने मैं एक ही दम छीनता हूँ पूरी पी जाता हूँ, और अब मेरे पास पैसे भी नहीं, अपने पास भी पैसे नहीं, कैसा फील होगा उस टाइम पे? ऐसा फील होगा भाई, मतलब सीधी सी बात है, दोस्ती धुलाई करेंगे, है ना, धुलाई नहीं करेंगे, ऐसा हाल करेंगे ना, हम पहले कैमरा ऑफ करो, फिर हम आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं। अच्छा, रिएक्शन किसी अपने दोस्त पे बताने वाले हो, मुझ पे बताने वाले? सुनो, तुम सबकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, तुम सबके लिए मैंने ये बात पूछी थी इससे, तुम सब कभी ये करना चाहो तो मत करना, उसने अपना रिएक्शन अभी से बता दिया। मतलब हंटर ही है इनके पास, ठीक है, मारता है वो। कौन से कॉलेज में है? कौन से ईयर में? फर्स्ट ईयर में, फ्रेशर हो, मतलब अभी नए नए, सीनियर हो गया? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ। अच्छा, दूसरे कॉलेज में, सेम कॉलेज में? हमें जबलपुर से, एम पी जबलपुर। आप कॉलेज कर रहे हो? हाँ, कॉलेज फाइनल ईयर, बी टेक। ब्लॉगिंग का शौक है आपको? हाँ, थोड़ी बहुत। यूट्यूब चैनल? हाँ। कौन सा? सिद्धांत इस्माइल। चलो, अच्छा लगा मिलकर मुझे भी सभी से। मुझे नंदी मंडप बड़ा बेहतरीन लगा, नंदी की इतनी बड़ी मूर्ति और नंदी का जो शेप है, मतलब नंदी इतना ही बड़ा हो जाता था, नंदी तो कितना ही बड़ा हो जाता था ना, हाँ नंदी तो कितना ही बड़ा हो जाता था, पर इसमें अब यहाँ तो अनलिमिटेड बड़ा तो नहीं बना सकते ना, सही है ना चाचा? हाँ, तो ना उस टाइम पे ये मतलब यहाँ तो कितना ही बड़ा नहीं बना सकते, तो यहाँ तो छोटा ही बनाया, पर छोटा भी बनाया तो बहुत प्यारा बनाया मेरे साथ। अच्छा ले लो ना यार, ये लो। अच्छा लगा मिल गया। नाम क्या है तुम्हारा? आकाश। आकाश 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 अहरवाल। नए नए सरनेम जानने को मिल रहे हैं यार, ये सरनेम मैंने आज तक नहीं सुना। मैं आपकी वीडियो देखी, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो। अच्छा, पहले से जानते हो? अच्छा, चलो अच्छा लगा तुमसे मिल गया, बाय। मैं जबलपुर से हूँ। हाँ, दो ही जाने आओ, हम फोटो ले। मोरे चल ना, प्यार आ गया। अच्छा, मोरे ना आराम से वही बैठ गया था। नंदी मंडप का परिसर भी घूम लेते हैं यार, नंदी मंडप का परिसर भी घूम लेते हैं। नंदी मंडप के परिसर में ना वही मूर्ति है यार जो वहां बनी हुई थी, वही है। नहीं, गणेश जी नहीं, हाथी है, हाथी गणेश जी है, गणेश जी यार, अरे गणेश जी है। हाँ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ यार, क्यों क्या हो गया? ये हाथी है? हाँ, नहीं गणेश जी है। हाथी को ऐसा नहीं बनाया, इस बार सामने में बना दिएगा, पर तो अभी फील तो करो से, बैठा हुआ है, चेहरा देख, हाथी का चेहरा गणेश जी का चेहरा सेम नहीं, पर ये चेहरा अलग है यार, ये चेहरा अलग है, इधर 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 इधर, ये चेहरा देख, ये चेहरा दूसरा है, ये देख, वो मैं हाथी मान सकता हूँ, पर ये गणेश जी है शायद, तक उम्मीद है मुझे। परिसर जो नंदी मंडप है ना, उसका परिसर भी अच्छा बना हुआ है, यहाँ पे एक वो भी बना हुआ है यार। अच्छा, पानी निकलने के लिए शेर वाला मुंह बनाया था उस जमाने में, उधर से छेद है, पता है, यहाँ पे छेद है, अंदर छेद है, अंदर होल है, मतलब पानी भर जाए, मान लो बारिश सारे दिनों में किसी वजह से ना वो पानी बाहर निकल जाएगा, कहाँ से? अच्छा अच्छा, दूसरा मंदिर कौन सा था? विश्वनाथ मंदिर था ना, विश्वनाथ मंदिर का परिसर घूम लेते हैं, कोई भी अच्छा मोमेंट आता तो मैं कैप्चर।
करूंगा।